क्या आपको पता है कि पानी के अंदर महीने भर चलने वाली सबमरीन के अंदर ऐसे ऐसे काम भी होते? दोस्तों, आखिर सबमरीन पानी के अंदर काम कैसे करती? और क्या आप जानते सबमरीन को पानी के अंदर कंट्रोल कैसे किया जाता है? और कैसे एक सबमरीन को फैक्ट्री में बनाया जाता है? और एक सबमरीन को बनने में कितना वक्त लगता है? और क्या आपको पता है सबमरीन में इंडियन नेवी ऑफिसर की जिंदगी कैसी होती है? दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबमरीन पानी के नीचे चलने वाली वो मौत है जो दुश्मन के किसी भी टारगेट को भेद सकती है, जमीन पर हमले से लेकर दुश्मन की जासूसी तक कर सकती है। लेकिन क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि किसी कैप्सूल की तरह दिखने वाली ये मशीन जो पूरी तरह से सील टाइट पैक्ड होती है, हजारों टन के हथियारों का भार कैसे उठाती है? या फिर ये समुद्र को चीर कर ये उसकी गहराइयों तक पहुंच जाती है? तो अगर आप नहीं जानते तो आज के हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आप सबमरीन काम कैसे करती है ये तो समझ ही जाएंगे। साथ ही आप ये भी जान जाएंगे कि सबमरीन के अंदर लिमिटेड जगह, पानी, खाना और ऑक्सीजन के सहारे इन्हें जीने वाले सैनिकों की लाइफ कितनी टफ और चैलेंजिंग है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सबमरीन एक तरह की शिप है जो पानी के ऊपर और पानी के अंदर दोनों ही जगह बखूबी काम कर सकती है। सबमरीन को बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये किसी भी मिशन में अच्छे से टारगेट पर हमला कर सके। इस पर कई तरह के वेपन लगे होते जैसे टॉर्पिडो मिसाइल या फिर माइन, जिनसे दुश्मन पर अटैक किया जा सकता है। बात करें हम अपनी इंडियन नेवी की तो हमारे पास दो तरह के सबमरीन है, पहली एक कन्वेंशनल सबमरीन और दूसरी है न्यूक्लियर सबमरीन। कन्वेंशनल सबमरीन असल में रशिया की डीजल से चलने वाले EKM, जर्मनी की SSK और इंडिया में ही बनी फ्रेंच डिजाइनर स्कॉर्पियन है। वही हमारे पास बेहद शक्तिशाली न्यूक्लियर सबमरीन भी है जैसे चक्र और अरिहंत। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर टाइप्स सबमरीन में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि ये मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन बिजली के लिए डीजल का नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करती है, जिसका फायदा ये है कि ऐसी सबमरीन से कई महीनों तक समुद्र के अंदर ही रह सकती है। जबकि दूसरी तरफ कन्वेंशनल टाइप सबमरीन बिजली के लिए डीजल बैटरी का इस्तेमाल करती है और इन्हें बैटरी इसको रिचार्ज करने के लिए पानी के सरफेस पर शिप को आना ही पड़ता है। ऐसे में दुश्मन देश के सबमरीन सर्च एयरक्राफ्ट या फिर वॉरशिप इन्हें आसानी से देख सकते हैं। अब दोस्तों, सबमरीन के मूवमेंट या फिर आवाजें किसी तक ना पहुंचे इसके लिए सबमरीन के इंजन कई शॉक जोर से लगाए जाते हैं। वहीं अपने टारगेट को ट्रैक करने के लिए सबमरीन एक्टिव और पैसिव सोनार का इस्तेमाल भी करती है। एक्टिव सोनार में साउंड वेव्स छोड़ी जाती है जो पानी से होते हुए टारगेट को हिट करती है और इसी से सबमरीन को टारगेट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ वो पैसिव सोनार में टारगेट से आने वाली साउंड को ही कैप्चर किया जाता है, जैसे प्रोपेलर इंजन या फिर पंप की आवाज मिलने से भी टारगेट का पता लगाया जाता है। वैसे दोस्तों, ये सबमरीन बाहर से देखने में जितनी भी बड़ी या फिर विशाल काय दिखे, लेकिन इसके अंदर सैनिकों को उतना ही कम स्पेस मिलता है। जैसे आप इस सबमरीन के अंदर जाएंगे तो आपको हर तरफ ये बड़े बड़े पाइप्स, बटन्स, डायल्स या फिर पिंजरे नजर आएंगे जिनका अपना अलग अलग काम है। सबमरीन के अंदर बहुत कम जगह पर ही बहुत कुछ होता है, जैसे इसके अंदर कंट्रोल रूम, इंजिनो, टॉर्पीडो ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रूम, क्रू क्वार्टर्स और मैसेज सब होता है। लेकिन दोस्तों, हर तरफ कोई ना कोई मशीन या फिर मशीनरी पार्ट से देखी जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सबमरीन को चलने के लिए भी काफी कम स्पेस ही मिल पाता है। और अगर किसी सबमरीन की हाइट से 6 फीट से ज्यादा हो तो उसे तो झुक कर ही एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी बता दूं कि कंट्रोल रूम सबमरीन का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, यहीं से पूरी सबमरीन को कंट्रोल किया जाता है। सबमरीन को डाइवर्ट कराने से पहले एयर और वाटर दोनों ही तरह के प्रेशर को चेक किया जाता है और इसके बाद ही इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। अब वैक्यूम क्रिएट हुआ है या नहीं, इसके लिए क्रू मेंबर्स अलग अलग जगह जाकर आवाजें सुनते और ये जानने की कोशिश करते कि कहीं से हवा तो अंदर नहीं आ रही। अगर आवाजें ना आई तो इसका मतलब होता है कि वैक्यूम क्रिएट हो चुका है और ये सबमरीन अब समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, चलिए अब जाते जाते ये भी जान लेते हैं कि ये सबमरीन पानी के अंदर और ऊपर आती जाती कैसे है। तो दोस्तों, सबमरीन के काम करने में फिजिक्स के कई प्रिंसिपल्स शामिल होते हैं, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायोन्सी। जैसे किसी देश की सबमरीन समुद्र की कितनी गहराई तक जा सकती है ये किसी भी देश की नेवी नहीं बताती, लेकिन ऑन एवरेज एक अच्छी सबमरीन समुद्र के 800 फीट नीचे तक डाइव कर सकती है। अब दोस्तों, इस सबमरीन के डाइव करने के लिए 3 टैंक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो नंबर 1 रियर ट्रिम टैंक, नंबर 2 मेन बैलेस्ट टैंक, नंबर 3 फॉरवर्ड ट्रिम टैंक। जब सबमरीन को ड्राइव करना होता है तो इसके बीच वाले मेन बैलेस्ट टैंक में पंप की मदद से पानी भर दिया जाता है। ऐसा करने से सबमरीन की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा हो जाती है, जिससे यह सबमरीन पानी के ऊपर ही तैरने के बजाय पानी की गहराई में चली जाती है। बाकी के दोनों टाइम सबमरीन को बैलेंस करने का काम करती है।
अब अगर सबमरीन को पानी में और नीचे जाना है तो आगे वाले फॉरवर्ड ट्रिम टैंक में पानी भरा जाता है और पीछे वाले रेल ट्रिम टैंक को खाली किया जाता है। इससे सबमरीन का आगे वाला हिस्सा भारी हो जाता है और सबमरीन में पानी के अंदर चली जाती है। वही ड्राइविंग प्लेन्स भी मदद करते हैं इन सबमरीन को पानी के ऊपर या फिर नीचे ले जाने में। वही पीछे के वर्टिकल राइडर सबमरीन को लेफ्ट या फिर राइट मुड़ने में मदद करते हैं और प्रोपेलर से सबमरीन आगे की ओर बढ़ती जाती है। वही दोस्तों, एक ड्राइव के बाद जब सबमरीन को पानी की सतह पर लाना हो तो कंप्रेस्ड एयर की मदद से तीनों ब्लास्ट टैंक से पानी निकाल दिया जाता है, जिससे ये सबमरीन हल्की हो जाती है और खुद ब खुद पानी के ऊपर आने लगती है। अब दोस्तों, ये सब जानने के बाद एक सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि अगर गलती से भी कभी ये सबमरीन में डूबने लगी तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता होगा। तो दोस्तों, वैसे तो इसके चांसेस बहुत ही कम होते, लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो तो सबमरीन एक खास तरह का सूट पहनते जिसमें ऑक्सीजन टैंक्स अटैच रहते। ऐसे में अगर सबमरीन डूबने लगे तो टॉर्पीडो ट्यूब जो सबमरीन के ऊपर वाली तरफ होती है उसे सबमरीन इससे बाहर निकल के अपनी जाने बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सबमरीन एक काम कैसे करती है या आप समझ गए होंगे।